हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आई होप आप सभी ठीक हो और खुश हो अपने घर में एंड मेहनत कर रहे हो कैबिन क्रू बनने के लिए। सो मेरा नाम है अनु मिश्रा, मैं 19 इयर्स की हूँ और मैं एक साल से इंडिगो में हूँ और फ्लाई कर रही हूँ, अपने सपने पूरे कर रही हूँ, खुश हूँ और उड़ रही हूँ। सो मैंने कुछ दिन पहले क्यू एन ए की पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि आप क्यू एन ए से जितने भी क्वेश्चन हैं आप पूछ सकते हो मुझसे। सो आप सब ने भर भर के क्वेश्चन किए एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाते हो। सो मुझे भी एक्टिवली आपके लिए वीडियो बनानी पड़ी। सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इन टू द वीडियो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, अपना बहुत 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 सारा प्यार दिखाओ मेरे चैनल पे। एंड या और अगर मैं किसी का आंसर नहीं दे पाई हूँ तो आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं वीडियो ऐसे बनाती रहती हूँ क्यों मैंने, नेक्स्ट टाइम आई पक्का 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 आंसर यू। एंड या और अगर मैंने आपको आंसर नहीं किया है तो आप इस कमेंट वीडियो के नीचे भी अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं पक्का आंसर कर दूंगी। सो मैंने फिर से बैठ के यहाँ पे आपके क्वेश्चंस लिखे हैं, मैं बहुत थक गई थी लिखते लिखते, तो मैंने सोचा इतनों का ही एक वीडियो बना लिया जाए और काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट भी हुए थे तो शायद आपको आपका आंसर यहाँ मिल जाए। सो सबसे पहला क्वेश्चन है कॉल मर्श का, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग और राइट, थोड़ा देख लेना। व्हाट इज बेटर, ज्वाइनिंग एविएशन राइट आफ्टर ट्वेल्थ और कंप्लीटिंग बैचलर्स, विच इज़ द बेस्ट चॉइस? सो देखो इट्स अप टू यू। अगर आप कैबिन क्रू ट्वेल्थ के बाद बनना चाहते हो इट्स अप टू यू, लेकिन अगर आप एविएशन में सिर्फ, मैं अपना पर्सनल अगर ओपिनियन आपको दूँ तो आप एविएशन में सिर्फ कुछ टाइम के लिए सिर्फ देखना चाहते हो कि हाउ इज़ द एविएशन, सो प्लीज़ गो एंड कम्प्लीट योर बैचलर्स, उसके बाद आप एविएशन में आ जाओ ताकि आपको कुछ टाइम बाद जब आप एविएशन छोड़ो तो आपको अपना बैचलर के लिए वेट ना करना पड़े। सो आप ये भी कर सकते हो कि ट्रेनिंग में जाओ, ट्रेनिंग से आके आप अपने बैचलर स्टार्ट कर दो, दोनों तरफ आप मेंटेन करके चलो। एंड अदरवाइज आपको अगर एविएशन में इतना भी इंटरेस्ट नहीं है जाने का, इट्स जस्ट दैट कि आपको देखना है एविएशन लाइफ, सो आप बैचलर्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर कैबिन क्रू। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी प्रिया 234 का, दी आई वॉन्ट आस्क इन इंटरव्यू वी कैन टॉक इन नॉर्मल इंग्लिश और वी हैव टू टॉक इन एडवांस विच हैज़ मोर चांस टू क्लियर इंटरव्यू। सो प्रिया एंड ऑल माई लवली गर्ल्स, यू जस्ट बी वॉट यू आर, आप जो हो वैसे ही रहो, जैसे हो वैसा ही दिखाओ, आप उसी तरीके में सेलेक्ट होगे। क्योंकि एक चीज़ मैं बता रही हूँ, जब मैं अपने आप को बना के बोल रही हूँ तो फिर मैं कॉन्फिडेंस भी हूँ, मैं स्माइल भी कर रही हूँ, मैं डर भी नहीं रही हूँ। लेकिन वहीं अगर मैं फेक करने लगूँ, मैं मुझे नहीं आती एडवांस इंग्लिश, मैं बोली जा रही हूँ, तो वो मेरे मुंह पे एक फेक भी लगेगा, गलतियाँ भी ज़्यादा होंगी, मैं डरूंगी भी, सो वहाँ सब कुछ चौपट हो जाएगा। सो जस्ट बी वॉट यू आर, दैट इज इट। एंड नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन निशिता कुमारी 764 का, दी प्लीज टेल हाउ शुड आई इम्प्रूव माई इंग्लिश। सो निशिता, आई थिंक आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने इंग्लिश इम्प्रूव करने की इतनी अच्छी ट्रिक्स बताई है, सो आई थिंक आपको जाके वो वीडियो देखनी चाहिए एंड उस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्डी कुमारी 1884 का, दी क्या हाइट 155 ही होनी चाहिए, माई हाइट इज़ नॉट 155 बट आई वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू, वॉट शुड आई डू। सी गुड्डी कुमारी, एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत लोगों का है कि हमारे क्या हाइट 155 होनी चाहिए, हमारी हाइट नहीं है उतनी। सो रिक्वायरमेंट तो 155 सेंटीमीटर है कि आपकी होनी ही चाहिए, बट वट आई कैन सजेस्ट यू इज गो फॉर द इंटरव्यू, जस्ट हैव अ ट्राई। कई बार आप इतने कॉन्फिडेंस होते हो, थोड़ी सी सेंटीमीटर से अगर रह भी जाते हो, आप में बहुत कॉन्फिडेंस होता है, आप हर चीज़ में अच्छे हो, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। सो मैं पर्सनली अगर बोलूँ तो यू शुड गो फॉर द इंटरव्यू एंड जस्ट गिव अ ट्राई।
रेस्ट आप जिम ज्वाइन करो, स्ट्रेचिंग करो, हाइट अपने आप इंप्रूव हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मयंक मलिक 660. स्टार्टिंग सैलरी ऑफ कैबिन क्रू एंड एंडिंग सैलरी ऑफ कैबिन क्रू. एंडिंग सैलरी क्या होती है? मतलब द मोमेंट यू लीव द जॉब इट विल बी योर एंडिंग सैलरी, राइट? तो स्टार्टिंग सैलरी ऑफ अ कैबिन क्रू, मैं इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ. अभी इससे पहले ही मैंने बनाई है, मैं वो वीडियो डालने वाली हूँ. तो आप मेरा कंटेंट खराब कर दोगे, तो वो वीडियो अभी इसके बाद आएगी, तो देखना. अगर मैं बेसिक बता दूँ, सो एक नॉर्मल सा आपको आइडिया दे दूँ मयंक, तो फिर ये आपके एक कॉन्ट्रैक्ट पे होता है जिसके आपको आर्स के बेसिक सैलरी मिलती है. अब अगर ये टॉपिक आप क्लियर करना चाहते हो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखो, और उसके लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलाक्षी प्रजापत 9768 का, दी हाउ टू क्लियर इंटरव्यू विदाउट हेजिटेशन एंड हाउ टू प्रिपेयर आंसर्स. सबसे पहले तो इंटरव्यू आप तभी क्लियर कर पाओगे जब आप कॉन्फिडेंट हो, जब आप डर नहीं रहे हो. और मैं हजार बार बोल चुकी हूँ, जब आप डरते कब हो? जब आपको किसी चीज को खोना होता है. अगर आपको कुछ गम ही नहीं है किसी चीज को खोने का, तो आप कभी भी नहीं डरोगे. सो आप ये सोच के इंटरव्यू में जाओ, नहीं होगा तो आई विल कम अगेन. कुछ क्या ही हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, आई विल कम अगेन फॉर द इंटरव्यू, दैट इज इट. उसके बाद देखना, आप बिल्कुल भी नहीं डरोगे. अपने आप पे थोड़ा सा विश्वास रखो एंड आंसर्स को प्रिपेयर क्या ही करना है. आप वीडियोस देखो बहुत, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली बहुत लेट लैंडिंग हुई है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, सो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है. सो या आप लोग वीडियोस देखो, गूगल पे से क्वेश्चंस निकालो और फिर उसका आंसर ट्राई करो बोलने का. एंड जब भी आप ये आंसर ट्राई कर रहे हो तो एक फोन ले लो, वीडियो बनाओ अपनी ही, उसके बाद अपनी वीडियो को वॉच करो ताकि आप लोगों को पता लगे कि आप कैसे बोल रहे हो, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष नोमी 6507, डीडी कैसे बनाते हैं? डीडी के लिए हर्ष कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको जस्ट जाके अपने बैंक में बोलना है कि मुझे डीडी बनवाना है, वो आपको 15-20 मिनट्स में डीडी बना के दे देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निशा सेफी 5562 का, अनुदी मेरा बीएमआई 16 है और मैं अंडरवेट हूँ, मैं क्या मुझे इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए या इम्प्रूव करनी चाहिए अपनी हेल्थ? सो निशा, मैं अगर आपको ओपिनियन दूँ, अगर आप मुझे अपनी बड़ी बहन मानते हो या फिर जो भी मानते हो, अगर मैं आपको ओपिनियन दूँ तो फ्लाइट्स ना थोड़ी सी इररेगुलर होती है जिसपे आपको आपके हेल्थ पे इफेक्ट करता है. सो आई गेस आपको अभी अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए. आप अपना, आप वीक हो अभी, अगर आप बीएमआई में नहीं हो तो इट मीन्स यू आर वीक. सो आप अच्छे से खाओ पियो, थोड़ा अपना ध्यान दो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, और जब आपका बीएमआई अच्छा हो जाए, आप फिट हो जाओ, तभी एविएशन ज्वाइन करो. क्योंकि अगर आप अभी से अंडरवेट हो तो आप फ्लाई करोगे, आपको इतना स्ट्रेस रहेगा हर चीज़ का, तो आप और अंडरवेट होगे, बीमार होगे, और हेल्थ से बड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सच में कुछ नहीं है. अभी मैं फ्लाई करती हूँ, पहले मैं सोचती थी कि मैं बीमार में भी फ्लाई कर लूँगी, बट नाउ आई रियलाइज कि मेरी हेल्थ से इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है. एंड तक जो मेरे साथ जाएगा वो है मेरा बॉडी, दैट्स इट, कोई नहीं जाएगा साथ में. सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कुछ भी हो जाए किसी, अपनी हेल्थ पे कुछ भी मत आने दो, हावी मत होने दो. जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अच्छे से खाओ पियो, बीएमआई में आओ, एंड देन लेट्स फ्लाई टुगेदर. नेक्स्ट इज बंती रानी 6684 का क्वेश्चन है, मैम इफ आई फेल इन ट्रेनिंग एग्जाम देन व्हाट कैन आई डू, दे रिलीगेट मी आफ्टर, आई कांट गो देयर. पहली बात तो आप बिल्कुल ही नेगेटिव मत हो, जस्ट से पॉजिटिव यार, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो क्यों ही आप फेल होगे ट्रेनिंग में. ट्रेनिंग इतना कुछ हार्ड नहीं होता है, इट्स जस्ट दैट कि आपको पढ़ना होता है, पढ़ोगे तो सब कुछ ईजी रहेगा. और अगर आप ये सोचोगे कि यहाँ तक आने के लिए आपने कितने इंटरव्यू रिजेक्ट हुए हो, कितने बार आपने मेहनत की है, तो आप कभी भी, जब भी आपको नींद भी आ रही होगी ना, आप उठ के भी पढ़ोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप यहाँ तक आने के लिए यू हैव अर्नड इट. ठीक है, फ्री में नहीं मिला था हमें, तो आप नहीं फेल होगे. और फिर भी अगर बाय लक कभी कभी दिन बुरा होता है और अगर आप फेल हो गए, तो मेरे को बता रहे हैं, तो आपको तीन बार रेलीगेट, अगर भाई जैसे
मेरा पहला बैच है, मैं फेल हो गई, रेलीगेट हो गई, तो मुझे दूसरा बैच मिलेगा, दूसरे में भी होगी तो मुझे तीसरा बैच मिलेगा, और तीसरे में अगर आप हो तो फिर आई थिंक कोई बैच नहीं मिलता है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि किसी की तीसरे तक नौबत आती है, वो सेकेंड में ही क्लियर कर लेते हैं, और जो अच्छे से पढ़ते हो फर्स्ट में ही हो जाते हैं। तो आई थिंक इतना पढ़ लो कि आप फर्स्ट गो में ही चले जाओ, सेकेंड थर्ड का सोचो ही मत। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रिधि मदन शॉर्ट्स 5658। हेलो दी, मेरा क्वेश्चन है कि अगर फैमिली फंक्शन या ओकेजन्स है तो कितने चांसेस हैं कि लीव्स मिल जाएंगे? देर आर चांसेस, मैनी मैनी चांसेस। आप लीव्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको लीव मिल जाती है, बहुत आराम से मिल जाती है। अभी पहले मुझे भी लग रहा था कि छठ पूजा के लिए लीव मिलेगी या नहीं मिलेगी, एंड मैंने अप्लाई किया और मैं छठ पूजा में अपने घर जा रही हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी। सो आपको मिल जाती है लीव्स, आपको 60 days होती हैं, इंडिगो में एक 60 days नाम की चीज़ है, वो भी आप अप्लाई करते हो तो आपको वो छुट्टी उन दिनों भी मिल जाती है। सो देर आर चांसेस कि आपको आराम से फेस्टिवल्स में आप घर पे रह सकते हो, लेकिन कई बार होता है, लेकिन आप अगर PLs मतलब अगर आप लीव नहीं ले रहे हो तो कई बार आपको फेस्टिवल्स में अप्लाई करना पड़ता है। तो इट्स बेटर कि आप जिन भी दिन अपने घर पे रहना चाहते हो उनके लिए पहले से ही लीव अप्लाई कर दो। दैट इज इट। सो थैंक यू सो मच अभी तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच। और फिर से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं पक्का रिप्लाई कर दूंगी। सॉरी इतना लिख के इतनी लेट लैंडिंग के बाद, और इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ तो थोड़ा सा हैसल हो गया। आई विल टेक केयर कि मैं आप सबका टेक केयर करूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अच्छे से खाओ पियो, मस्त रहो, खुश रहो, मज़े करो ज़िंदगी में। दैट इज़ इट। लव यू ऑल, बाय।